अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मास्टर केज हमारा कवर हो गया है, क्योंकि यार विंटर आ चुका है और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि यार मास्टर केज को मैं कवर करूं। तो आखिरकार मैं मास्टर केज को कवर करने में कामयाब हो गया। दोस्तों, ये मेरे अकेले का काम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बड़ा सारा शॉपर है ये, तो इसको कवर करने के लिए मुझे 3 से 4 बंदों की ज़रूरत थी। हमारे घर में दोस्तों कल मेहमान आए, तो मैंने उनको पकड़ लिया कि भाई चलो जी मेरे साथ काम करा लो, मुझसे अकेले में तो नहीं होता ये काम। तो हम सब ने मिलकर ये मास्टर केज को कवर किया था और मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी दोस्तों, तो माजरत इसके लिए। और देखें दोस्तों, कवर करने के दौरान मेरी सारी ये उंगली छिल चुकी है, क्योंकि मैंने काफ़ी मतलब यार मेहनत वाला काम था। तो दोस्तों, आप मुझे अब खुश क्यों देख रहे होंगे? खुश मैं इसलिए हूँ दोस्तों, एक हिम्मत आई है मेरे अंदर, क्योंकि कल की वीडियो के नीचे दोस्तों बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि भाई नुकसान तो ज़िंदगी का हिस्सा है, मुर्गियों में बीमारी आती है, हमारी मुर्गियाँ भी मर जाती हैं बीमारी की वजह से, ये तो वायरस है, एक दफ़ा आता है तो ये चट कर जाता है परिंदों को सबको, तो आप इतना दिल पर ना लिया करें, परिंदे तो आते जाते रहते हैं, आप सैड ना हुआ करें। तो दोस्तों, आपके इन्हीं कमेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा एक हिम्मत दी, ताकत दी, तो मैंने फिर सोचा कि यार वाकई में यार कुछ ज़्यादा ही मैं इमोशनल हो जाता हूँ इन चीज़ों में, क्योंकि दोस्तों मेरी शुरू से मैं एक किस्म का यार बचपन से लेके अभी तक मैं एक सेंसिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ दोस्तों चीज़ों को लेकर और हालात को इस तरह से, मतलब मैं सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ, तो इसकी वजह से फिर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, तकलीफ होती है। लेकिन आपके कमेंट्स ने दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी, ताकत दी, और वायरस से दोस्तों हमारी मुर्गियों में आ गया है, तो मैंने फिर सोचा है कि जो हमारी मुर्गियाँ मर गईं तो यार वो तो नसीब उनका, अल्लाह की मर्ज़ी, लेकिन जो हमारी दोस्तों मुर्गियाँ बची हुई हैं उनमें भी वायरस आएगा ही आएगा, क्योंकि पूरी हमारी छत पर पूरे सेटअप में ये वायरस घूम रहा है। तो मैं उन बची हुई मुर्गियों को दोस्तों आज करने लगा हूँ ज़िबा, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि वो इसी तरह से तड़प तड़प के मरे, मैं उनको करूँगा आज ज़िबा, क्योंकि हमारी जो मुर्गियाँ थी दोस्तों 6 से 7 माह जिनकी उम्र थी वो तो सारी की सारी मर गई हैं। जो कल मैंने आपको मुर्गा दिखाया था दोस्तों वो भी हमें छोड़ के जा चुका है, और एक हमारी मुर्गी जो आपको मैंने दिखाया था कि ये भी बीमार है, उसकी भी दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये मैंने बंद किया हुआ, इसको खोल नहीं रहा दोस्तों मैं, ये देखें इसकी हालत देखें आप, ये देख इस तरह से ये हरकत कर रही है, मुझे नहीं पता कि यार इस बेचारी के साथ क्या बीतरी होगी। तो मैं इसको भी सोच रहा हूँ कि यार छुरी ही फेर दूँ, ये ज़्यादा तकलीफ़ ना बर्दाश्त करे, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ में लग रही है, इसको मैं छुरी फेर दूँगा और बस, और कोई इसका हल नहीं है। और बाकी जो हमारे दोस्तों जो मुर्गे ठीक हैं उनको करेंगे हम आज हिलाल। लेकिन लेकिन दोस्तों मुझे एक टेंशन बहुत ज़्यादा है, टेंशन क्या है दोस्तों, कि जो हमारी अंडों वाली मुर्गी है, अंडों पर बैठी हुई है, उसके अंदर ये वायरस ना आ जाए यार, क्योंकि बच्चे निकलने में अभी कुछ टाइम बाकी है, बच्चों को अभी 6 दिन रहते हैं निकलने में दोस्तों, अंडों में से बच्चे जो निकलेंगे ना 6 दिन रहते हैं उनको, तो अल्लाह खैर करेगा दोस्तों, दुआ लाजमी करनी है आपने। बाकी तो यार हमारी मुर्गियाँ चली गई हैं, हम इंशाल्लाह दोस्तों जल्द से जल्द नई मुर्गियाँ लेकर आएंगे और हमारा सेटअप फिर से रौनक में आ जाएगा दोस्तों, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा दोस्तों। और हमारी दोस्तों गुना फॉल्स वो देखें, अब ये भी उधर चली गई यार, इसको ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे हम, ये देखें ये सामने बैठी हुई हैं और दूसरों के घर में चली गई हैं, ये देखें नीचे चली गई हैं यार, अल्लाह खैर करे ये ऊपर आ जाए, बस टेंशन हो रही है मुझे इसकी भी, अब ये जंप मारेगी, ये आ गई, चलो अब टेंशन खत्म, ये आ जाएंगे घर दोस्तों। तो हम चलते हैं दोस्तों अब मास्टर केज में और आपको अंदर से व्यू दिखाते हैं मास्टर केज का, के किस तरह से यार मैं गया हूँ ना रात को बहुत ज़्यादा यार ठंडी हवा चल रही थी, तो मैं फिर उस दौरान जब हमारा कवर हो गया ना मास्टर केज में अंदर गया था दोस्तों, और इतना मुझे सुकून फील हुआ, इतना ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी हीटर के अंदर आ गया हूँ दोस्तों। अब मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ दोस्तों कि किस तरह से हमारा मास्टर केज लग रहा है। तो चलें दोस्तों अंदर चलते हैं और फिर हम चलेंगे अपनी मुर्गियों को पकड़ेंगे, और आपको दिखाता हूँ वो कौन सी मुर्गियाँ जो आज हमने ज़िबा करानी है, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि यार वो मर जाए। तो ये देखें दोस्तों हमारा मास्टर केज है कवर, और मैंने ट्रांसपेरेंट कवर दोस्तों इसलिए लगाया है क्योंकि सूरज की रोशनी भी हमारे परिंदों को लग सके और हमारे परिंदे भी दोस्तों इस तरह से मतलब अंधेरा फील ना करें, मास्टर केज रोशन रोशन रहे। तो दोस्तों ये देखें, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ व्यू, देख लें आप बस, फिर हम चलते हैं बाहर। ये देखें जी, ये देखें दोस्तों यहाँ से मैंने कवर कराया है ये मास्टर केज,
और सारे परिंदे मजे से घूम रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि किस तरह से आपको ये हमारा मास्टर केज लग रहा है, क्योंकि दोस्तों अब बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे हम किसी गर्म कमरे में आ गए हैं, क्योंकि हवा की क्रॉसिंग नहीं हो रही और हमारे बर्ड्स काफी रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो चले दोस्तों हम चलते हैं अपनी मुर्गियों के पास और उनको पकड़ते हैं और करते हैं आज उनको हला। तो दोस्तों इस मुर्गी में भी वायरस आ चुका है, लेकिन दोस्तों मैं इसको कराने लगा हूँ अब जिबा, और बाशला बहुत प्यारी हमारी असील मुर्गी थी दोस्तों, बहुत ही अच्छी ब्रीड है, लेकिन दिल को संभाल के मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि आपके कमेंट्स ने मुझे हिम्मत दी है, एक ताकत दी है। तो और ये हमारी दूसरी मुर्गी दोस्तों, ये भी असील है, वाइट असील, और ये भी बहुत ही प्यारी ब्रीड है। दोस्तों मुर्गियां तो हलाल हो गई हैं, और ये है कुछ गर्म पानी, नीम गर्म है, बर्तन ज़्यादा गर्म था जिसकी वजह से मैं कपड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़्यादा गर्म नहीं है। तो चलते हैं अपनी फिंचेज और डव्स को पानी रखते हैं दोस्तों, और जी मैं ये लॉक खोलूँ और बंद कर दूँ दरवाजा। तो दोस्तों फिंचेज हमारी अब ये नीम गर्म पानी पिएंगी, क्योंकि मौसम यार ठंडा होता जा रहा है। तो आज से मैंने ये फैसला किया है कि मैं इनको टूटी वाला ताज़ा पानी नहीं दूंगा, आज से हम इनको देंगे नीम गर्म पानी। तो चलें दोस्तों ये थी आज की वीडियो, दुआ कीजिएगा कि हमारे मास्टर केज के जो परिंदे हैं वो सेव कर जाए खुद को, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मास्टर केज बनवाया है, परिंदे लेकर आया हूँ, बड़े यार एक होता है ना, लेकिन अब अगर इनके अंदर कोई बीमारी आ गई तो मैं वाकई में यार मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाजत दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।